मंडी तालुका के शेलार ग्राम पंचायत सरपंच एडवोकेट किरण जी चन्ने ने शेलार ग्राम पंचायत द्वारा शेलार ग्राम पंचायत के अंतर्गत चोरी जैसे घटना तथा अन्य घटनाओं को रोकथाम के लिए पूरे शेलार ग्राम पंचायत के हद में लगभग 40 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि आज दिनांक 16 मार्च 2022 को शेलार ग्राम पंचायत सरपंच एडवोकेट किरण जी चन्ने ने रात गश्त पथक की भी शुरुआत की गई, जिसमें रात गश्त पथक के लिए वाहन का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर माजी सरपंच घनश्याम भोईर, सिद्धार्थ भोईर, ज्ञानेश्वर भोईर, एडवोकेट जय पाटिल सहित भारी संख्या में मान्यवर तथा तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी व सर्व सम्माननीय ग्राम पंचायत सदस्य कर्मचारी तथा शेलार ग्रामस्थ मंडल उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। चोरांना प्रतिबंध व्हावा आणि नागरिकांची सुरक्षितता राखली जावी या दृष्टिकोनातून तालुका पुलिस स्टेशनचे पीआय बोराटे साहेब त्यांचे सर्व पुलिस सहकारी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर शेलार ग्रामपंचायतने 5 तरुणांचं एक पथक रात्रगस्त पथक बनवलेलं आहे, ज्यांच्याकडे वॉकी टाकी असेल, जे पोलिसांना माहिती देतील आणि विशेष करून नागरिकांना जर काही समस्या असतील रात्री किंवा त्यांना असं वाटतं जर कुठे चोर आलेले आहेत तर त्यांनी त्यांना हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहेत तरुण आपल्या पथकातील तरुणांचे, ते त्यांना संपर्क करू शकतात। ते पोलीस स्टेशनला संपर्क करतील किंवा रात्री जे अधिकारी ड्युटीवर आहेत त्यांना संपर्क करतील। या दृष्टिकोनातून उपयोजना करण्यात आलेली आहे आणि विशेष करून शेलार गावामध्ये जे कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत सर्व रस्त्यांमध्ये, विशेष करून मुख्य रस्त्यांवर कारखान्यांच्या ठिकाणी, तर त्या कॅमेऱ्यांवर देखील आमची एक टीम ग्रामपंचायतची रात्री देखरेख ठेवी। त्यांना जर काही संशयास्पद वाटलं तर ते तत्काल पोलीस स्टेशनला आणि जे पथकातील तरुण आहेत यांना माहिती पुरवतील, अशा पद्धतीचं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। याच्यामागचा हेतू अत्यंत स्पष्ट आहे की चोरांना प्रतिबंध झाला पाहिजे, चोऱ्यांना प्रतिबंध झाला पाहिजे आणि विशेष करून प्रत्येक नागरिकाला जे संविधानाने अधिकार दिलेला आहे सुरक्षित जगण्याचा, शांततेत जगण्याचा, तो अबाधित राहिला पाहिजे। याच्यासाठी शेलार ग्रामपंचायत कार्यरत आहे, कृतिशील आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी रात्रगस्त पथक आम्ही निर्माण केलेलं आहे। पोलीस आलेले आहेत, ते काही सजेशन्स जे पथक आहे त्याला करतील, गाईडलाईन करतील आणि त्याप्रमाणे पथक या ठिकाणी काम करील। तर त्या दृष्टिकोनातून ज्यांच्या घरावर हल्ला झालेला आहे असे आमचे वकील सहकारी अजय पाटील, त्यांची आई देखील जखमी झालेली त्यामध्ये, तर असे प्रकार घडून आहेत आणि म्हणून विशेष करून या पथकाचं उद्घाटन करत असताना पोलीस अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ग्रामपंचायतचे सर्व सदस्य, आमचे काही सजग नागरिक, राजकारणी पुढारी देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तर एक छोटे खाणे कार्यक्रम या पथकाचं उद्घाटन करण्यासाठी मी ॲडव्होकेट अजय पाटीलांना अशी विनंती करेन की त्यांनी जे पथकामधली जे आमची ॲम्ब्युलन्स आम्ही वापरणार आहोत, ज्याच्यावर बोर्ड लावलेला आहे, हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहेत, तर या पथकातील जे वाहन आहे त्याला ते हार अर्पण करतील आणि आजच्या या पथकाचं उद्घाटन करतील। त्यानंतर आपण सगळेजण आपल्या ग्रामपंचायतच्या हॉलमध्ये जाऊया, त्या ठिकाणी पोलीस अधिकारी जे उपस्थित आहेत ते देखील मार्गदर्शन करतील नागरिकांना। असा एक छोटेखाणी कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे। आमचे पत्रकार बंधू या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित आहेत, त्यांनी देखील याला प्रसिद्धी द्यावी अशा पद्धतीची आपला सरपंच म्हणून, शेलार ग्रामपंचायतचा सरपंच म्हणून आपल्याला मी विनंती करतो आहे। तत्पूर्वी मी सरपंचा नात्याने अजय पाटीलांना विनंती करतो की त्यांनी वाहनाला या ठिकाणी अर्पण करावं। पिछले कुछ दिनों से चोरियों का प्रमाण बढ़ गया है और हमारे जो एडवोकेट अजय जी पाटिल हैं उनके घर पर भी हमला हुआ है, उनके माँ को भी इंजुरी हुई है। तो ये वस्तु स्थिति है कि चोरियों का प्रमाण बढ़ रहा है, तो ऐसे मौके पे जनता में एक भयभीत स्थिति है, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को मदद करने के लिए शेलार ग्राम पंचायत ने एक रात गश्त पथक 5 तरुणों का तैयार किया है, जिनको वॉकी टॉकी दी गई है, एक वाहन दिया गया है और उसी के साथ जो जो उनको जो चीज़ें लगती हैं चोरों के बारे में जानकारी लेने के लिए वो की गई है। पूरे ग्राम पंचायत की मतलब जहाँ कोनी की हद ख़त्म होती है वहाँ तक 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उस कैमरे सीसीटीवी कैमरा जिसका सेंटर हमारे ग्राम पंचायत में है वहाँ भी हमारे कामगार रात में बैठेंगे, वो जो हमारा पथक है 5 लोगों का उनको जानकारी देंगे, पुलिस को जानकारी देंगे और लोग सुरक्षित रहे और भयभीत स्थिति से उठकर शांततापूर्वक अपने घर में सोए, इसलिए हमने
महाराष्ट्र में पहला रात्र गस्त पथक चालू किया है जो पुलिस को चोरों के बारे में जानकारी देगा, लोगों को जाके रात में मिलेगा, अगर कोई संपर्क करता है हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उसके बोर्ड हर नुक्कड़ पे लगाए गए हैं और जैसे ही रात में फ़ोन आता है तो वहाँ एक टीम पहुँचेगी और उनको पूरी तरह से सुरक्षितता देने का काम ये हमारा रात्र गस्त पथक शेलार ग्राम पंचायत का वो करेगा। ऐसा नहीं है पुलिस अपना काम करती है लेकिन अंतर्गत जो रास्ते रहते हैं, कुछ अंतर्गत जो बातें हैं गांव की, वो ज़्यादातर पुलिस को पूरी तरह से मालूम नहीं रहती है। हर इंसान को पुलिस नहीं पहचानती है और रात में राउंडिंग भी करती है तो रोड टू रोड करती है। तो हमारा जो पथक है वो रात में जहाँ सीक्रेट स्पॉट है, जहाँ छिप सकते हैं चोर, कुछ हमारे लोग नदी के उस पार रहते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, जो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो मालूमात है पुलिस लेने का काम करती है उनके लिए कुछ मर्यादा आती है, तो पुलिस को ज़्यादा जानकारी देने के लिए और पुलिस अगर उनसे कम्युनिकेशन हो जाए तो हम चोरों को पकड़ सकते हैं, ऐसे हमारी धारणा है, और लोगों को एक सुरक्षितता दे सकते हैं, उनको शांततापूर्वक जीवन जीने के लिए मदद कर सकते हैं। तो एक समाज उपयोगी ऐसा समाज सेवा का उपक्रम है, इसलिए वो शेलार ग्राम पंचायत ने अपने हाथ में लिया है। कोई 8-10 दिन पहले हमारे शेलार ग्राम पंचायत के CCTV फुटेज में एक गैंग दिख रही है जो रात में घूम रही है और हाथ में हथियार है उनके और पूरी तरह से एक चैलेंज करती हुई लोगों को जा रही है, और यहाँ से जाने के बाद हमारे जो पुनी गाँव में एडवोकेट अजय पाटिल रहते हैं उनके घर पर हमला हुआ है, उनके घर पर वो डकैती हुई है। तो ये वास्तविक घटना हमारे सामने है, तो आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना हो पुलिस अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रही है, तो पुलिस को मदद हो। और मैं एक ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते, प्राथमिक नागरिक होने के नाते, मुझे मेरी ये संकल्पना है और मेरी ये ड्यूटी है कि हमारे गांव का कोई भी इंसान एक डर के माहौल में नहीं जिए, शांततापूर्वक जिए और सुरक्षित जिए, तो ये मेरी ड्यूटी है। इस ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पथक बनाया। अभी आपने जो सवाल किया है कि सभी जगह पे चौकी हम लोगों की है, शेलार गाँव है, सोनाड़ा, जब वहाँ पे पुलिस है, पुलिस कैसे वो रोड से निकलती है ना, तो सीधा ऐसा गांव खेड़ा का अंदर जो रोड है, चेन्नई साहब ने जो अभी जो संकल्पना की है कि बाबा 5-5 लोग ले देंगे, तो उसमें से कैसा अंदर कोई गाँव का रहता है और कोई बाहर से आता है तो अंदर वाले गाँव के लोग पहचान सकते हैं उनको कि वहाँ ये अपना गाँव का है, सर ये हल्दी में आया था, ये सर इधर से आया था, ऐसा अपना वो गुप्त बात में हमको दे सकते हैं। हम लोगों ने इनके लिए हमारा पूरा इनके साथ में 5 लोगों के साथ में हमने व्हाट्सअप ग्रुप तैयार करके रखे और ऐसे एक भयभीत होते जब सब, तो भयभीत होने का नहीं, हम लोग पुलिस वाले सब उनके साथ में हैं, जुड़ के काम करेंगे, जल्दी उनको पुलिस अपना चोर को पकड़ लेंगे।